गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फसलों के मुआवजे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस का कोई नेता खेतों में नहीं गया और ये सरकार पर मुआवजे को लेकर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस उनसे तो गए, कमलनाथ जी अभी तक क्यों नहीं गए, दिग्विजय सिंह जी एक हाथ खेत पर क्यों नहीं गए। अरे जैसे पाखंड करते हैं वैसे ही कोई पाखंड कर दिया होता किसी नेता ने बड़े ने। हमारे मुख्यमंत्री तो गांव गांव घूम रहे, खेत खेत घूम रहे, डगर डगर घूम रहे, ओले की क्षति देख रहे और स्पष्ट आदेश कर दिया है पूरे के पूरे बारीक सर्वे का। देखिए अब कहीं ना कहीं यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और जिस तरह से अब फसलों को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर घेरती है और घेराबंदी करते हुए तंज कसती हुई नजर आती है, अब इसी पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से पलटवार किया गया कांग्रेस क्यों कि आखिर जब इतना ज्यादा हितैषी बनते हैं तो उनकी तरफ से क्यों नहीं फसलों की देखी गई, उसकी जाँच की गई और देखा गया, थोड़ा बहुत अपनी तरफ से झूठा दिखावा भी कर सकते थे। पढ़ेंगे आगे जहाँ दिग्विजय सिंह के मीडिया के किए अपमान को लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा है। नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह को गुरु चेला बताया है। गुरु चेला है दोनों, दिल्ली में राहुल जी ने किया तो गुरु को तो फिर आगे निकल नहीं था, पहले राहुल बाबा ने अपमान किया मीडिया का और कल दिग्विजय सिंह जी ने कर दिया। ये ऐसा नहीं है कि अभी कर रहे हो, आप इमरजेंसी का समय देख लो, इमरजेंसी से लेके कल तक दिग्विजय सिंह जी हो, राहुल हो, चाहे इंदिरा जी हो, ये सभी मीडिया का अपमान करते हैं, कभी गोदी मीडिया बोलते हैं, कभी इस तरह की बात मीडिया के बारे में बोलते हैं जिससे लोगों को मीडिया के प्रति अइच्छा जाहिर हो।